सुशांत मौत केस में जिस तरह से अलग अलग किरदार अलग अलग भूमिका में दिखते हैं और फिर उसे लेकर सीबीआई क्वेश्चनिंग कर रही है, संदीप सिंह इसमें एक अहम नाम है। संदीप सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ईडी और सीबीआई जल्द ही संदीप सिंह से पूछताछ करेगी। आज तक से बातचीत में संदीप सिंह ने इस पूरे मामले पर सफाई दी कि मैं अपने दोस्त के घर संजीव जी के घर में पहुंचा, मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं, और मैं उनके घर पे जब पहुंचा तो आज तक न्यूज चैनल चालू था। मैंने बेल दबाया और उनके घर में एंटर किया और देखा कि ये न्यूज आज तक पर ही शुरू था, तो मैं बिल्कुल नम सा शॉक्ड हो गया था और मुझे 10 मिनट के लिए कुछ समझ में नहीं आया। और फिर मैं वहां से घर से निकला और सुशांत के घर पे पहुंचा। जब पहुंचा तो बट ऑब्वियस पुलिस हमें ऊपर जाने नहीं दे रही थी, तो हम नीचे ही खड़े थे। और एक बार जब सुशांत के बॉडी को लिफ्ट से लाया गया और रखा गया स्ट्रेचर पे, और जब वो एम्बुलेंस में लेके चले गए वो लोग, तब पुलिस ने हमारा नंबर लिया और हमसे बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने हमें कॉल किया और हमें बताया कि कूपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम के लिए उनको लेके जा रहे हैं। और फिर हमें वहाँ बुलाया गया और फिर हम वहाँ गए, और जो भी फॉर्मेलिटीज थी सारे पेपर वर्क की वो एक तरफा किया गया। संदीप सिंह की पूरी सफाई आपने सुनी, लेकिन इस बीच आज का दिन बहुत अहम क्योंकि ये छठा दिन है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का, और आज एक बार फिर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है। वहां पर नीरज सिद्धार्थ पिठानी, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने 14 जून को सुशांत को आखिरी बार देखा था और उनकी डेड बॉडी को भी सबसे पहले देखा था, इसीलिए सवाल जवाब इनसे लंबे जो है पूछताछ सीबीआई की तरफ से हुई है बीते 2 दिन भी, और आज एक बार फिर से ये चारों लोग सीबीआई गेस्ट हाउस में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। नीरज सिद्धार्थ पिठानी समेत 4 लोगों से पूछताछ आज फिर होनी है। और इस बीच ड्रग्स कनेक्शन का एक नया मामला व्हाट्सएप चैट के जरिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर भी आप देखिए कि नीरज जब उसे मीडिया ने सवाल पूछने की कोशिश की, आज तक ने सवाल पूछने की कोशिश की, तो कैमरे से भागता दिखाई दिया। प्लीज मैं समझ रहा हूँ, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, सुशांत जाने पहले झगड़ा हुआ था। नहीं नहीं जानता, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बता दो। सीबीआई एक अहम गवाह मानकर नीरज से पूछताछ भी कर रही है। लंबी पूछताछ नीरज से हुई है, 10 से 12 घंटे बीते 2 दिन में, और आज एक बार फिर पूछताछ के लिए वो डीआरडीओ ऑफिस पहुंचा, लेकिन क्या कुछ इसने अपनी सफाई में पहले कहा था ये भी सुनिए। खाना बनाने वाले सब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। हमें लगा सर सो रहे होंगे, थोड़ा सा थके से उनको अपने को ऐसा महसूस करे जैसे थके, तो थोड़ा उस टाइम उनकी तबीयत सही सी नहीं थी, उनको खा क्या पता उनके मन में क्या थी, अकेला महसूस कर रहे थे या किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, या उन्हें पता नहीं किस चीज़ की बातें सता रही थी, उस चीज़ की हमें पता नहीं था। वहाँ में इतना दिख रहा था सर कुछ थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं, तो जैसे खटखटाए तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है हमारे पास में उन्हीं के पास, तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई, तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सब ने एक एक बार ट्राई करा, तो उनकी सिस्टर को फ़ोन किया था, तो सिस्टर ने बोला जैसे भी खुलवाओ मैं फटाफट पहुंच रही हूँ, तो उन्होंने ताला चाबी वाले को फ़ोन करा। सिद्धार्थ ने बोला तोड़ दो, देख लेंगे जैसा भी रहेगा तोड़ दो, इतने देर हो गया खोल नहीं रहे, तोड़ दो जैसा भी रहेगा। तो सिद्धार्थ जाने के बाद तो एकदम बाहर आ गया और सेट बोल के, हमने बोला ऐसा क्या है हम भी देख लें, तो जैसे दीपेश के जस्ट पीछे में था तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के